के स्थान का की। तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम मंदिर क्यों नहीं आते हो? तो बोले मेरे पास नहीं है मंदिर अंदर का टाइम। पंडित जी मेरे से आप बोले अपने जीवन की बातें करो कि क्या पैकेज है, क्या करना, लाइफ में कैसे बढ़ना, लेकिन मैं मंदिर अंदर के मेरे से मैं नहीं कर सकता बात आपसे, मेरे पास धर्म की बात करने का टाइम नहीं है। फिर वो बच्चा दूसरे दिन मुझे मिला, पूनम दीदी, जब दूसरे दिन वो मुझे मिला तो मैंने उससे कहा अरे भैया भगवान को छूने मात्र से अनंतानंत कर्मों की निचरा होती है, भगवान को छूने से दरिद्रता का नाश होता है, कितना भी भिखारी इंसान हो, कितना भी पानी की तरह पैसा बह रहा हो, धन बिल्कुल ना हो घर में, एक उपाय है कुछ मत करो, सुबह उठो और जाकर नहाकर भगवान को छूना चालू कर दो। जिसने भगवान को छू लिया उसके घर से दरिद्रता यूं बह जाएगी, यूं निकल जाएगी, दरिद्रता रह नहीं सकती घर में। लेकिन बंधुओं जब उस बच्चे से मैंने तीसरी बार कहा, मैंने कहा प्रयास तो करूं, मैंने कहा बेटा भगवान को छूने से अनंतानंत कर्म दूर होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, भगवान को क्या नहीं पंडित जी मैं क्या छू, किसी को मैं भगवान को छू के क्या होगा, ये तो पत्थर मैं नहीं करता प्लीज मुझे मत बोलो आप, मैं नहीं कर सकता। मैंने बोला ठीक है। फिर तीसरी बार और मैंने प्रयास किया और मैंने कहा बेटा तुम भगवान के ऐसी कर्म की मार पड़ती है, नहीं तो कहां राजा वो जब कहां रंग तेली, पाप का उदय होता है तो महल की मरघट बन जाता है और पुण्य का उदय होता है तो आपका मरघट भी महल बन जाता है, लेकिन पुण्य कमाना पड़ता है, जैसे पाप का घड़ा फूटता है तो कष्ट आने पर पुण्य का घड़ा भी फूटता है। आखिर वो माना नहीं, कहने लगे नहीं भगवान को छू के क्या मुझे कुछ नहीं। मैंने बोला ठीक कोई बात नहीं बेटा, उत्तम क्षमा, मैंने खूब प्रयास कर लिया, उनके मम्मी पापा ने सबने खूब प्रयास कर लिए, आप बिलीव नहीं करोगे, ना मैंने उसको बद्दुआ दी ना मैंने उसको कुछ कहा, बस मैंने इतना ही प्रार्थना करी पार्श्वनाथ से कि हे पार्श्वनाथ इस बच्चे की मति पलटाओ और नहीं तो इस बच्चे को ऐसी सीख लगे कि जीवन में इसको पता चले कि धर्म क्या है। आप बिलीव नहीं करोगे बंधु, चार महीने भी पूरे नहीं निकल पाए, उसके माथे पर एक सफेद दाग हुआ और सफेद दाग होते होते पूरे शरीर में सफेद दाग हो गया, पूरे पैर तक सफेद दाग हो गया और अब पूरे शरीर में ऐसा सफेद दाग है उसके कि उसके शरीर से भी पीप निकलती है, यानी अब वो इंसान इस लायक भी नहीं रहा कि भगवान को छूना तो क्या, भगवान के ऊपर परछाई भी उसकी नहीं पड़ सकती। सोचो इसे क्या कहोगे, ये है कर्मन की गति नारी, जिंदगी में भगवान के लिए ऐसे भाव बनाने वाला, भगवान के प्रति ऐसे परिणाम करने वाला, अब ले बैठ गया तू, अब कर ले छू ले भगवान को, मंदिर में चला जा, क्या करेगा, न तू दान कर सकता है, न तू भगवान को छू सकता है, ना अभिषेक कर सकता है, ऐसे कर्म एक सेकंड उसके जीवन में उदय में आए। तो ध्यान रखना बंधु, ये बहुत बड़ी चीज है। जो व्यक्ति ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, कर्मन की गति नानी, करनी का भर बता रहा हूं, जो ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रात भर नहीं सोया, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस का इतना काम था, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है, तो मैं नहीं कह रहा हूं एक करनी का फल, पुस्तक आप पढ़िए कर्म सिद्धांत, उसमें लिखा है यदि जो व्यक्ति ऐसे परिणाम बना ले कि मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बच्चे रो रहे थे, मैं रात भर जगा, मैं ऑफिस का काम है, मुझे टाइम नहीं मिलता, ऐसा बच्चा मर के कुत्ता बनता है, मर के कुत्ता बनता है। और उस व्यक्ति के पास फिर इतना टाइम होता है कि कुतुब मीनार से लेके फिर वो लाल किला, लाल किला से लेके इंडिया गेट तक वो कुत्ता पूरी दिल्ली में घूमता है। फिर इतना टाइम भगवान देता है कि ले तूने कहा था टाइम नहीं है, अब तेरे पास टाइम है, तू सबकी रोटी खा और खाद घूमता रहे और तेरे कीड़े पड़ते रहेंगे और फूटता रहे और पूरे जिंदगी में तू निरंतर व्यवहार करता रहे। और आज भी आप यदि रस्ते में चलते हो और कहीं आपको कोई कुत्ता इधर से उधर चलता दिखता है ना, तो घबराना मत, उस कुत्ता को देखते हुए यही विचार कर लेना ये भी कोई बुरी वाले जन साहब है, ये बुरी वाले जन साहब है जिनने कहा था मेरे पास टाइम नहीं है। बंधुओं जिंदगी में भगवान के लिए मत कहना, यदि अमेरिका जाना होगा और ओले गिरते होंगे तो भी व्यक्ति नियम ले लेगा कि नहीं मुझे जाना है 1,00,000 दिए है, तुरंत निकल जाएगा अपने सॉल्यूशन करके। लेकिन भगवान के लिए सुबह 6 बजे उठने के लिए रजाई भी नहीं तो पड़ रही, वो रजाई दो कौड़ों की, अरे रजाई को पकड़ो, ए रजाई क्या करो, ये मेरे लिए 3 लोग के नाक को छूने के लिए रजाई मेरा अंतराय कर्म है, ये मुझे अंतराय कर्म डाल रही है, मैं भगवान को छूने के लिए इसकी क्या औकात है, संसार की कोई ताकत मुझे भगवान को पकड़ने से नहीं रोक सकती, और ये पुद्गल पर्याय अजीब रजाई मुझे ठंड में उठने नहीं दे रही है।
उसको पकड़ो, उठा के लात मार के फेंको और भगवान के लिए घंटा से चले जाओ। और जिस दिन आप मंदिर आते आते ना आ पाओ, जिस दिन आप अभिषेक ना कर पाओ, जिस दिन भगवान की भक्ति ना कर पाओ, तो घबराना मत। कर्म सिद्धांत यही कहता है, आज तूने कोई ऐसा पाप किया है, उस दिन विचार कर लेना चाहिए कि भगवान आज मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया कि आज तूने मुझे अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया, आज तूने मुझे अपने सामने खड़ा होना पसंद नहीं किया, मैंने ऐसा क्या कर लिया।